महाराष्ट्र के लेठ लतीफ बिल्डरों पर महारेरा का शिकंजा कसने लगा है। महारेरा ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के 313 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बिल्डर ने खर्च रकम पर गलत दावे पेश किए हैं, साथ ही प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को लेकर गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता दीपक यादव है, उनसे जरा जानते हैं पूरी खबर। दीपक, समझना चाहेंगे एक्शन महाराष्ट्र रेरा ने लिया है, वाकई एक बड़ा एक्शन हो सकता है बिल्डरों पर, और क्या आरोप है? बिल्कुल स्वाति, पूरी खबर मैं बताऊं उससे पहले 10 सेकंड लूंगा आपके, और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो मैनुअल है जो रेरा के सारे नियम दर्शाता है, सारे नियम बताता है। इस पूरे मैनुअल में प्रमोटर को क्या करना है, एलॉटी को क्या करना है, सारे नियम एकदम साफ दर्शाए गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो डेवलपर हैं वो इन नियमों को मानते नहीं हैं। क्या करते हैं कि इसके अगर सेक्शन 11 की हम बात करें तो सेक्शन 11 में यह कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट है उसकी 3 महीने में आपको अपडेट देनी है, आपने पैसा कहाँ खर्च किया, आपने कितने फ्लैट बुक किए, आपके कहाँ से मंजूरी हुई, प्रोजेक्ट आप बना के कब दे रहे हैं, और स्टेटस क्या है, कंस्ट्रक्शन का जो स्टेटस है वो क्या है, वो सेक्शन 11 कहता है। इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो डेवलपर पूरी करते नहीं हैं, और इस वजह से रेरा ने, महाराष्ट्र रेरा ने किया क्या है कि रेंडमली करीब 300 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने चेक किया, एक एजेंसी ऑडिट एजेंसी नियुक्त की और उसको जिम्मेदारी दी कि वो जाके सारे प्रोजेक्ट चेक करे। उसने रेंडमली चेक किए, चेक करने के बाद कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर जो रकम है 50% रकम बताई गई है कि 75% रकम खर्च की जा चुकी है, लेकिन अगर मौके पर हम देखते हैं तो 50% रकम ही खर्च की गई है। एस्क्रो अकाउंट का जो पैसा है वो सही से खर्च नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन है वो बताया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, तो इस तरह की तमाम खामियां हैं जो मौके पर प्रोजेक्ट में पाई गई हैं। इसको रेरा ने संज्ञान में लिया है। संज्ञान में लेने के बाद अब रेरा ने जो नोटिस जारी किया है 313 डेवलपर्स को, उनको ये साफ तौर पर कह दिया है कि आप अगर सहयोग नहीं करते हैं एजेंसी के साथ, अगर आप सही जानकारी नहीं देते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई तय है। तो ये 313 डेवलपर हैं जिनमें आपको बताऊं सबसे अधिक मुंबई के सबर्ब में है, करीब 109 डेवलपर ऐसे हैं जो मुंबई के सबर्ब के हैं, थाने के करीब 50 से ज़्यादा बिल्डर हैं, और अगर आप मुंबई की ही बात करें यानी मुंबई के जो इलाके हैं उनमें करीब 44 डेवलपर हैं। इस तरह से जो 313 डेवलपर हैं पूरे महाराष्ट्र के हैं। तो ये बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा एक्शन है कि जिस चीज़ को कंज्यूमर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि हर 3 महीने में डेवलपर्स को अपनी प्रोजेक्ट की अपडेट डालनी है, वेबसाइट पर कंज्यूमर्स को बतानी है, रेरा को बतानी है, वो नहीं करते हैं। इस वजह से रेरा ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है।